नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस आलू भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो फ्रेंड्स देर न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू भिंडी बनाने के लिए कढ़ाई में एक छोटा कप रिफाइंड ऑयल डाल लें। ऑयल को गर्म हो जाने दें। ऑयल आप आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें दो मीडियम साइज आलू को छीलकर इसे लंबा लंबा काट लिया है, इस तरीके से हम भिंडी में डालेंगे। आलू को अच्छे से डीप फ्राई हो जाने दें रिफाइंड ऑयल में। 3 से 4 मिनट में ये आलू अच्छे से पककर रेडी हो चुके हैं। आलू जब अच्छे से डीप फ्राई हो जाए तब इसे आप किसी भी प्लेट में निकाल लें। गैस का फ्लेम स्लो पे रखें। इस तरीके से भिंडी में ये आलू डालेंगे तो हमारी भिंडी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दें। जीरा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे हम। इसे बनाने के लिए 1/2 kg भिंडी लिया है। भिंडी को भी अच्छे से धुलकर अच्छे से पोंछ लें, उसके बाद ही इसे मीडियम कट कर लें छोटा छोटा। भिंडी में इस बात का ध्यान रखें, जब आप भिंडी को काटें तो इसमें मॉइस्चर ना हो। यदि इसमें मॉइस्चर होगा तो हमारी भिंडी में वो भिंडी में थोड़ा सा चिपचिपापन होता है ना, उस तरीके से यदि आप भिंडी को रिफाइंड ऑयल में डालेंगे तो उस तरीके से हो सकती है। इसलिए भिंडी सूखी ही हो इस बात का ध्यान रखें जब आप भिंडी को काटें तो। अब इसमें हमने 2 मीडियम साइज प्याज को लंबा लंबा काटकर इसी भिंडी के साथ ऐड कर दिया है। भिंडी और प्याज को 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई हो जाने दें। बीच बीच में इसको चलाते जाएं। गैस का फ्लेम मीडियम रखें, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। तेज पे करेंगे तो ये जल सकती है। धीरे धीरे करके हमारी ये भिंडी और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें डालने के लिए 2 छोटे छोटे टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है और इसमें ऐड कर दें। इसमें आवश्यकता अनुसार नमक ऐड कर दें। टमाटर के ऊपर डालकर हम इसको ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा देर तक इसको ढककर नहीं पकाएं। ढककर पकाने से ये हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर दें। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें स्वादानुसार आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया मैंने। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दें। धनिया पाउडर की थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी ही डालें। अब इसे मिक्स कर देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखें। गर्मी के दिनों में इसमें टमाटर डालते हैं तो भिंडी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप स्वाद के अनुसार इसमें टमाटर डालना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने दें। जब ये अच्छे से पक जाए तब इसमें ये जो आलू को पहले से ही डीप फ्राई करके रखे हुए हैं इसे इसमें ऐड कर देते हैं भिंडी के साथ। इस तरीके से इसमें आलू डीप फ्राई करके डालते हैं फ्रेंड्स, तो ये भिंडी खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। फ्रेंड्स, वीडियो में जो भी मैं आइटम यूज़ करती हूँ किचन प्रोडक्ट, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया है, तो एक बार आप उस लिंक में जाकर जरूर देखें। यह हमारे आलू और भिंडी अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आलू को मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाया।
जब अच्छे से ये पक कर रेडी हो गए हैं तब इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला लास्ट में ही डालें तभी इसमें बहुत ही अच्छा गरम मसाले का फ्लेवर बना रहता है। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारी आलू भिंडी बनकर रेडी हो चुकी है। और इस समय लॉकडाउन का सीज़न है तो इस समय हमारे घर में सब्जियों की भी शॉर्टेज रहती है, तो इस तरीके से आप आलू भिंडी ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।